एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं गणपतगंज, हाँ वहीं जा रहे हैं। तो आज अस्मिता घुमाने ले जा रही है और हम लोग के साथ दीदी। तो आज स्पेशल गेस्ट है दीदी। ऐसे तो ये दो दिन मतलब दो ब्लॉग से ये आ ही रही है, बट दीदी इस बार खास है। तो देखते हैं क्या करते हैं, क्या क्या मस्ती करते हैं, आपको सब कुछ बताएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। तो बने रहे मेरे ब्लॉग। बस स्टैंड पर पहुँच गए और हम लोग की बस आगे लग गई है। अभी बस से जाना हम लोग को। ये हम लोग सिमराई बस स्टैंड पे पहुंच गए और अभी टोटो लेके ये मंदिर के बाहर भी आ गए हैं। और देख सकते हैं मंदिर कितना खूबसूरत है, पूरे साउथ इंडियन स्टाइल में बना हुआ है। और रोड के उस साइड भी देख सकते हैं एक मंदिर बना हुआ है। तो अभी मंदिर अंदर जाने से पहले सबसे पहले हम लोग चप्पल खोलने जा रहे हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे चप्पल रखने का भी प्राइस लगता है, यहाँ पे फ्री में चप्पल नहीं रखा जाता है। तो पर पर्सन 3 रुपए लगते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप प्लीज चेंज लेके आए, नहीं तो काफी प्रॉब्लम होता है। क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गया अभी कि मेरे पास चेंज नहीं था और ये चेंज मांग रहे थे। तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं और मैं आपको अंदर पूरा दिखाऊंगी और मैं इसकी हिस्ट्री भी बताऊंगी, आखिर बिहार उसमें भी कोसी रीजन में इतना साउथ इंडियन स्टाइल में मंदिर बनाने का आखिर क्या रीजन था, ये मैं आपको बताऊंगी। तो उससे पहले अगर मैं इसकी टाइमिंग की बात करूँ तो सुबह 7 बजे से लेकर 11:40 तक ये मंदिर खुला रहता है। उसके बाद फिर ये 3:30 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खुला रहता है। अगर आप उसके अगर 11:40 के बाद आते हो और 3:30 से पहले आते हो तो आपको ये मंदिर बंद मिलेगा। तो फिर आके आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, आपको दर्शन नहीं हो पाएगा। तो फिर इसीलिए आप जब भी आए तो ये टाइमिंग का हमेशा याद रखें। मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, वो ये है कि मेन मंदिर के अंदर फोटोग्राफी करना अलाउ नहीं है, इसलिए मैं अंदर की शॉट्स नहीं ली हूँ, मैं आपको बाहर ही दिखा रही हूँ। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आप जब भी मंदिर के अंदर जाओगे दर्शन करने के लिए तो आपको अंदर 170 रुपीज़ का मतलब 170 रुपये का आपको एक प्रसाद मिलेगा, जिसको आप लेके जाओगे मतलब मंदिर के अंदर ही, तो आप उसको पूजा कर सकते हो, मतलब आप दे सकते हो। और इस एरिया में यहाँ पर हवन होता है और इस मंदिर का आपको सेम डिट्टो कॉपी तमिलनाडु कांचीपुरम में आपको मिल जाएगा, वैसा ही वहाँ पर भी बनाया गया है। और इसका छोटा रूप अगर मैं बोलूँ तो दिल्ली में भी है, जिसका मैंने मिनी ब्लॉग अपने चैनल पर डाल रखा है, तो आपने अगर नहीं देखा तो वो भी जाके देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दूँगी। और इस मंदिर की सबसे यूनिक बात ये है कि इसमें जितने भी जो भी पुजारी हैं वो सब तमिलनाडु से ही आए हैं ट्रेंड होके, और जहाँ मतलब वहाँ पे जिस अकॉर्डिंग पूजा पाठ होता है सेम उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर भी पूजा पाठ होता है। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो मंदिर है ये 2 फ्लोर में बना हुआ है, तो नीचे मतलब देवी देवता भी हैं और ऊपर भी देवी देवता हैं। और अगर मैं इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूँ तो सिमराही से गणपतगंज जो जाने का रास्ता है ये उसी के बीच ये मंदिर मिलता है और ये सुपौल डिस्ट्रिक्ट में आता है। विष्णु भगवान को समर्पित ये मंदिर अपनी भव्यता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, बल्कि कहा जाता है कि बिहार में स्थित इस मंदिर की तुलना चेन्नई के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर से की जाती है। इस मंदिर को कोंगतपतगंज विष्णु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं इसकी इतिहास की बात करूं कि आखिर इसे किसने बनवाया था, तो पौराणिक मान्यता के अनुसार इस मंदिर का निर्माण करोड़ों की लागत से गणपतगंज निवासी जय नारायण मलिक के सुपुत्र डॉक्टर पीके मलिक के द्वारा किया गया था, जो सन 2009 से शुरू हुआ था। विष्णु भगवान के साथ साथ मंदिर में अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियाँ स्थापित हैं जिनकी पूजा वैष्णव आचार्य करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सुंदर विष्णु भगवान की प्रतिमा। और ये हम लोग पीछे साइड चले गए जो अभी भी बन रहा है, और देख सकते हैं कि पीछे साइड से भी मंदिर कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और ये यहाँ पे कुआं बना हुआ था तो वही हम लोग देख रहे थे, और उस साइड कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी चल रहा है। और देख सकते कितना हरा भरा और किस कदर का ये खूबसूरत ये मंदिर है। तो आप जब भी अगर इधर आते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप ये मंदिर ज़रूर आए, क्योंकि जब आप अंदर जाते हो और भगवान को देखते हो तो लगेगा विष्णु देव आपके स्वयं सामने खड़े हो, वो इतना खूबसूरत लगता है।
और ये साइड का मार्केट था, मतलब जस्ट बगल में ही मार्केट यहाँ पे लगा हुआ, देख सकते कितना यहाँ पे मतलब अच्छा अच्छा चूड़ी उड़ी ये सब मिल रहा था। तो आप चाहो तो बगल में शॉपिंग वॉपिंग भी कर सकते हो। उसके बाद ये हम लोग ऑटो लेके अब स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। बेचारी बहुत दुखी है, हम लोग का दर्शन बहुत अच्छा हुआ। तो अब इसका बस है तो अब ये फॉरबिडन जाएगी और हम सहरसा वापस। तो कैसा रहा मेरे साथ 3 दिन एंजॉय करके? अब फाइनल ख़त्म हो गया, अब हम मिस करेंगे। हाँ, इसीलिए अब इसको बाय बाय करते हुए, मेरे पापा 10 मिनट में होप से जल्दी आए तब ये भी निकले। चलिए इसी के साथ मेरा ये ब्लॉग यही ख़त्म होता है, बाय बाय। तो सीता बस है, ये फॉरबिडन जाएगी।